नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी शर्मा। आप देख रहे हैं देश का बढ़ता एपी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं कानपुर देहात की खबर। जनपद में स्वास्थ्य विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के चलते प्राइवेट अस्पताल अनंत राज में नियमों को ताक पर रखकर मरीजों से इलाज के नाम पर लाखों रुपए की लूट करने सीएमओ कानपुर देहात द्वारा नियमों को ताक पर रखकर BAMS डॉक्टर को नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन देने व जिला अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जनपद कानपुर देहात पत्रकार संघ के अध्यक्ष विजय शंकर, कौशल मीडिया क्लब के अध्यक्ष ब्रिजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में जनपद के सैकड़ों पत्रकार सत्याग्रह आंदोलन जनपद मुख्यालय पर चला रहे हैं। देखिए, हम बताना चाहेंगे कि जो सत्याग्रह है, ये भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य विभाग के अनियमितताओं और जिला प्रशासन के अनियमितताओं और जिला अस्पताल में हो रही धांधली को लेकर के हम जनहित में ये सत्याग्रह कर रहे हैं। और ये सत्याग्रह हमारा निरंतर 18 तारीख से लेकर के संचालित किया। हम आपको बता दें कि हमारा सत्याग्रह आज सत्याग्रह का तीसरा दिन है और पाँचवें दिन से हम लोग इस सत्याग्रह पर भूख हड़ताल करेंगे और भूखे रह करके सत्याग्रह आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त का वादा तो करती है, लेकिन जांच के बाद दोषियों पर कई वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं हुई और निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल होती जा रही हैं। स्वास्थ्य अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बिना मानक, बिना डॉक्टरों के हॉस्पिटल संचालित करवा रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के हम सत्याग्रह पर बैठे हैं और यह सत्याग्रह निरंतर जारी रहेगा। जब तक हमारी 8 सूत्री मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तो हम सत्याग्रह पर बैठे हैं। जैसे कि मुझे प्राप्त हुआ है कि अनंतराज हॉस्पिटल में काफ़ी गलत कार्य होते हैं, इस मुद्दे को लेकर आप बैठे हैं। देखिए, जो अमित कटियार है वो पत्राचार से BAMS किए हैं और ये एक हॉस्पिटल चला रहे हैं जो 120 या 30 सैया का है, जबकि जिला अस्पताल जो लगभग 5 से 6 बीघे में बना है वो महज 70 सैया का बना है। और एक छोटा सा अस्पताल जो स्वास्थ्य विभाग की माने और स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेजों की माने तो 130 बेड का है, जो छोटे से अस्पताल को 130 बेड की परमिशन दी गई है, ये नियमता गलत है। इन सब मुद्दों को लेकर के और इस अनंतराज अस्पताल में तमाम तकबे के लोग, तमाम सामाजिक लोगों के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ गलत इलाज करके धन उगाही की गई। कोरोना काल में भी जैसे कि उत्तर प्रदेश शासन ने एक निर्धारित राशि रखी थी कि इसके अनुसार ही मरीजों से रुपया लिया जाए, उस पर जो है इस हॉस्पिटल में जमकर धन उगाही की गई। अगर माने तो आपदा में इस अस्पताल के मालिक ने अवसर तलाशा और करोड़ों रुपया मरीजों से इलाज के नाम पर वसूला। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर जब हम पत्रकार साथी खबरें चलाते थे, संचालित करते थे, तो अधिकारी कार्रवाई करने का आश्वासन तो देते थे, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हो सकी। इन सब मामलों को लेकर के जब पत्रकार बराबर निरंतर समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पर खबर संचालित कर रहे हैं।